गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम सब गुरु महाराज के बच्चे हैं। हमारे गुरु जी ने महाशिव के जो अवतार हैं धरती पर आए, और हम सारे बच्चों की बाजू पकड़ी। वी पीपल आर सो ब्लेस्ड। मैं हमेशा एक बात शेयर करती हूँ कि हमारे मंदिर में, सबके घर मंदिर होता है। थैंक यू आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना। सबके घर मंदिरों में हम राम भगवान जी की फ़ोटो देखते हैं, कृष्ण भगवान जी की देखते हैं, 200 जो 10 गुरु हैं बाबा जी के, 200 जो पातशाही है सबकी, हर किसी के मंदिर में कोई ना कोई भगवान जी होते हैं, और सबको हम बचपन से पूज रहे हैं। बट हमने कभी किसी को नहीं देखा। आप सबने किसी ने देखा हो तो प्लीज़ बताना। फिजिकली हमने कभी किसी भगवान को नहीं देखा। हम जो अपनी पेरेंटल सुनते आ रहे हैं अपनी जो एंसेस्टर्स से कि भगवान थे, भगवान जी ने ये किया वो किया, ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, उनके बिहाफ पे हम भगवान को बिलीव करते हैं और प्रे करते हैं। लेकिन हम सब इतने ब्लेस्ड हैं कि जो हमारे गुरु जी हैं वो हमारे महाशिव के अवतार हैं। साक्षात शिव धरती पर लोगों का कल्याण करने के लिए आए थे, और वो है हमारे गुरु महाराज जी, हमारे गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी। गुरु जी, वी लव यू सो मच। शुक्राना आपका हमें अपनी ज़िंदगी में जगह देने का, अपने चरणों में जगह देने का, हमारा हाथ पकड़ने का, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, आई एम वेरी सॉरी फॉर येस्टरडे। कल गुरु जी की शायद आज्ञा नहीं थी तो दो बारी सत्संग डिस्कनेक्ट हो गया टेक्निकल इशू की वजह से। जय गुरु जी दीवानशी आंटी, जय गुरु जी कनिका आंटी। और आज वी विल कॉन्टिन्यू। बाय द टाइम थोड़ी संगत कनेक्ट होती है, तब तक थोड़ी देर का मंत्र जाप, कलेक्टिव मंत्र जाप फॉर द होल वर्ल्ड। इस टाइम कोविड थ्रू आउट वर्ल्ड में बहुत पैनिक क्रिएट करा हुआ है, सो हम सब थोड़ी देर का बिल्कुल एक कलेक्टिव मंत्र जाप करेंगे फॉर द बेटरमेंट। गुरु जी सरबत का कल्याण करें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संघ जी, अगर हम सिर्फ अपने लिए प्रे करते हैं ना तो वो प्रेयर्स भगवान तक जाती हैं, लेकिन अगर हम कलेक्टिव प्रेयर्स करते हैं सबके लिए मिलकर, तो वो प्रेयर्स डबल ट्रिपल होके कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूनिवर्स में भगवान जी के पास जाती है, और बैक फोर्स में पूरी विश्व का कल्याण होता है उससे। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। इस टाइम थ्रू आउट जो वर्ल्ड माहौल चल रहा है हमारे आसपास, हमसे दूर, हमने बस गुरु जी से यही प्रे करना है, मंत्र जाप करना है, गुरु जी का दिन रात ध्यान करना है, उनसे यही प्रे करना है कि गुरु जी सरबत का कल्याण करो, गुरु जी सरबत का कल्याण करो, सबका कल्याण करो। जब हम सबका कल्याण कहेंगे तो गुरु जी ऑटोमेटिकली हमारा तो करेंगे, लेकिन सरबत का कल्याण हमेशा गुरु जी से यही मांगना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो रिसेंट माहौल चल रहा है कोविड का, मैं सबसे पहले आज कोविड का एक सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद आई विल शेयर द ब्लेस्ड सत्संग ऑफ माई लाइफ। बहुत ब्यूटिफुल सत्संग है संगत जी। अभी जो कोविड है उसको एक महामारी के रूप में देखा जा रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि एक ये महामारी है और ये महामारी बहुत बैडली स्प्रेड हो रही है, बहुत स्पीड में, एंड पीपल आर एक्चुअली डाइंग बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कुछ टाइम पहले लास्ट ईयर हमारी साइकोलॉजी ऐसी हो गई थी जब नया नया कोविड स्प्रेड हुआ था, कि हम बहुत डरने लग गए थे, घर के अंदर रहना, केयर करना, मार्केट भी नहीं जाते थे। मार्केट से कोई सामान भी आता था उसको एकदम एक दिन के लिए बाहर रख के बिल्कुल उसको सैनिटाइज करके यूज़ करते थे।
लेकिन गुरु जी इतने हमारे महाशिव इतनी सुपर पावर हैं, जो उनकी संगत है, जो गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी उन पर आँच भी नहीं आने देते, इतने प्यारे हैं हमारे महाराज। अगर हम गुरु जी की शेल्टर में हैं तो बिलीव में, चाहे कोविड है, चाहे कोई भी महामारी आ जाए, कोई भी नेचुरल कलामिटी आ जाए, अगर हमारे गुरु महाराज का हाथ हमारे सिर के ऊपर है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिलीव मी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। गुरु जी दिन रात हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे करिश्मा करके दिखाते रहते हैं, मिराकल्स करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं दिन रात। मेरे लिए लास्ट ईयर मेरे को गुरु जी ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। एक्चुअली लास्ट ईयर अक्टूबर की बात है, कोविड के ड्यूरेशन में बड़ा मंदिर बंद था, तो हम लोग बहुत वी पीपल आर लाइक मैड फॉर बड़ा मंदिर। जब से मैं मेरी गुरुजी ने बाजू पकड़ी है मुझे, जब तक मैं वंस इन अ वीक या ट्वाइस अ वीक बड़ा मंदिर नहीं जाती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा मंदिर मेरी मदर का घर है, जैसे बेटियों को मायकी का शौक होता है, वैसे मेरे लिए गुरुजी ने बड़ा मंदिर का वो ऑरा, वो माहौल वैसा बनाया हुआ कि आई फील लाइक एट होम, आई नीड टू गो देयर, मुझे जाना ही जाना है। तो संगत जी, कोविड के टाइम पर जब बड़ा मंदिर बंद था तो हमने एक रूटीन बनाई हुई थी कि हम कार पे जाते थे, बाहर से मत्था टेकते थे और आ जाते थे। तो वन फाइन डे लास्ट ईयर अक्टूबर में मुझे मेरे पासेस हुए, मेरे और मेरे हस्बैंड के, हमारे पासेस कंफर्म हुए बड़े मंदिर के, ई पास जो बनते हैं। तो हम लोगों का स्लॉट मिला हमें मंडे वाले दिन का। संडे को हमारे मेरा जो मेरे हस्बैंड हैं वो कहीं आउट ऑफ दिल्ली गए हुए थे किसी काम से, बट वो ऑब्वियसली उन्होंने जब ट्रैवल किया था वो बिल्कुल सेफली उन्होंने ट्रैवल किया, विद ऑल थिंग्स सैनिटाइज एंड ऑल। तो जब वो घर आए संडे नाइट, तो उनको माइल्ड सा फीवर लग रहा था। मंडे को हमारा गुरु जी का स्लॉट बुक था बड़े मंदिर का। अब जब मैं अपने हस्बैंड को बहुत फोर्स कर रही थी कि हमने बड़े मंदिर जाना है मंडे वाले दिन, तो जिस दिन हम बड़े मंदिर गए मंडे को, तो पूरे रास्ते हमारा 6:45 का मुझे स्लॉट मिला हुआ था। पूरे रास्ते मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत अनईजी फील कर रहे थे, उनको फीवर हो रहा था। तो हमने रास्ते में एम्स के पास थोड़ी देर कार स्टॉप करके अपनी मेडिसिन ली और उनको मेडिसिन दी, और बस ये था कि गुरु जी आज आपने मत्था ज़रूर टिकवाना है और हमें बड़े टाइम बाद स्लॉट मिला है, तो मैंने ज़रूर मत्था टेकने आना है बड़े मंदिर। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई फीवर की वजह से, तो हम मंदिर पहुँचने में थोड़ी सी लेट हो गए। एज 6:45 का हमारा स्लॉट था, तो हम शार्प 7 o'clock हो चुके थे, 7:05 पे हम बड़े मंदिर पहुँचे पार्किंग एरिया में। और जैसे ही मंदिर पहुँचे तो गुरु जी के कपाट बंद हो गए थे बड़े मंदिर के, मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था क्योंकि 7 o'clock लाइव मंत्र जाप आता है। तो मंत्र जाप स्टार्ट हो गया था और वो पूरा एरिया सैनिटाइज हो गया था, उन्होंने कपाट बंद कर दिए। तो मैंने वहाँ एक अंकल को बोला, अंकल प्लीज़ मुझे मत्था टेकने दो, थोड़ा सा आगे जाके या अंदर गणेश जी तक जाके मैं मत्था टेकाऊंगी, प्लीज़ अलाउ कर दो। तो उन्होंने बोला, नहीं आंटी, आप यहाँ पर आ गए, गुरु जी कहते थे कि कोई मेरे मंदिर के बाहर से भी होके निकलता है ना, तो मैं उसका भी कल्याण कर देता हूँ। कोई अनइंटेंशनली भी वहाँ से निकलता है, हमारे प्यारे गुरु महाराज इतने महान हैं, कोई अनइंटेंशनली भी उनके दरबार के बाहर से निकलता है तो गुरु जी उसका भी कल्याण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने अंकल के कहने पे बाहर से मत्था टेका, और मैं मत्था टेकते देखते ना रो पड़ी कि गुरु जी इतने टाइम से मैं बड़े मंदिर नहीं आई, आज स्लॉट बुक हुआ तो आपने अंदर नहीं आने दिया, पता नहीं मेरे कोई मुझसे कुछ भूल हुई होगी जो आज आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया। तो मैंने बाहर से मत्था टेका और मैं ना रो पड़ी बड़े मंदिर के बाहर। तो मुझे ऐसी वाइब आई कि गुरु जी के साथ टेलीपैथी, तो संगत जी जो भी संगत हो, गुरु जी के जितने भी बच्चे हैं सबके गुरु जी के साथ एक टेलीपैथी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है। गुरु जी ने सबके साथ इतना ब्यूटीफुल रिलेशन बनाया हुआ है, चाहे हम बड़े हैं चाहे छोटे बच्चे भी हैं, गुरु जी ने सबके साथ इतना ब्यूटीफुल रिलेशन बनाया हुआ है कि वो टेलीपैथी से सबसे बात कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हूँ या मैं बहुत खुश हूँ, अगर मैं गुरुजी को याद करती हूँ तो गुरुजी खुद मेरे सामने खड़े होकर मुझे आंसर्स देते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, दैट आई कैन फील, एंड दैट आई थिंक सारी संगत कैन फील दिस थिंग, दिस इज़ ट्रू। वी पीपल आर सो ब्लेस्ड ना कि गुरुजी की जो पावर्स हैं वो उन्होंने हमारे साथ भी शेयर करी हुई है कि वी कैन टॉक टू हिम थ्रू टेलीपैथी, वी आर वेरी ब्लेस्ड।
तो संगत जी मैं बड़े मंदिर के बाहर रोने लग गई, और मुझे लगा पता नहीं कुछ तो रीज़न है जो गुरुजी ने आज, हम सब बिल्कुल प्लान्ड था, टाइम से निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन मत्था नहीं टेक पाए, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। देन संगत जी जब हम घर आए मंडे के दिन, बड़े मंदिर के दर्शन नहीं हो पाए और बाहर से मत्था टेका, हम घर आए ट्यूसडे को इवनिंग में, मुझे बहुत हाई फीवर हुआ। संडे को मेरे हस्बैंड को फीवर था एंड ट्यूसडे को मुझे बहुत हाई फीवर हुआ। मुझे 1 घंटे का ऐसा फीवर हुआ कि मेरी बॉडी में इतनी एक्सट्रीम पेन थी कि मैं बस रोई जा रही थी गुरुजी के आके, गुरुजी मुझे बख्शो, गुरुजी मुझे बख्शो। इतनी पेन ऐसी थी कि मुझे अपनी लाइफ में कभी इतनी बॉडी पेन नहीं हुई। मुझे हाई फीवर आ रहा था और बॉडी पेन हो रही थी। इतनी देर में मेरे अंकल डॉक्टर पे गए और उन्होंने मुझे लाके मेडिसिन दी कि तू ये मेडिसिन खा ले, लेट्स सी क्या होता है, सुबह डॉक्टर पे दोबारा चलेंगे। मेरी ऐसी भी कंडीशन नहीं थी कि मैं बेड से उठ पाती। अब मेरी इतनी बॉडी पेन में ना, मैं बस रोते रोते मैंने मंत्र जाप किया और मेडिसिन खा ली। ये मेरी एक, इट्स बीन नाउ 10-11 ईयर्स जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरी एक ये लाइक ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या हैबिट बन चुकी है मेरी, कि मैंने जब भी मेडिसिन खानी है या खुद या अपने फैमिली को या बच्चों को देनी है तो मैं मंत्र जाप करके मेडिसिन खाती हूँ। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे डॉक्टर अपना काम करेंगे मैं अपना, तो मैं बस मंत्र जाप करके मैंने वो मेडिसिन खाई और मैं रोते रोते सो गई। और मैंने गुरुजी को कहा अगर मुझे ठीक करना है तो कर दो, अदरवाइज़ आई डोंट वॉन्ट टू लिव, इतनी पेन है। संगत जी इतनी देर में क्या हुआ कि रात के 8:30 बजे के आसपास मुझे नींद आ गई और मैं सो गई दवाई खा के। जैसे मैं सोई तो मुझे नींद में गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया। ड्रीम दर्शन में मेरे घर के एक टेबल के ऊपर ना गुरुजी का बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप है। वो स्वरूप के पीछे एक स्विच बोर्ड है। मैंने ड्रीम दर्शन में अपने सपने में गुरु जी के स्वरूप के आगे कलश रखा जल का भर के उनको भोग लगाने के लिए। उतनी देर में क्या हुआ कि मुझसे गलती से वो कलश गिर गया, स्विच बोर्ड में पानी चला गया और उससे गुरु जी के स्वरूप में करंट आके गुरु जी का स्वरूप बिल्कुल जल के राख हो गया। अब वो ड्रीम चल रहा था और मैं बहुत परेशान हो रही थी कि ये क्या हो गया, और मैं जोर जोर से रोने लग गई कि गुरु जी आप जल गए, गुरु जी आपका स्वरूप जल के राख हो गया। गुरु जी मैं बहुत रो रही थी, एकदम से डर के रो रही थी कि गुरु जी का स्वरूप जल गया, एशेज हो गई थी बिल्कुल। इतनी देर में एक आंटी आए मेरे पास और उन्होंने मेरी झोली में सेम गुरु जी का वो स्वरूप रखा और बोला कि पल्लवी आंटी तेरी फैमिली के ऊपर बहुत भारी कष्ट था, गुरु जी ने अपने पे ले लिया, देखो वापस ठीक होके तेरी झोली में आ गए। एंड आई एक्चुअली स्माइल, आई फेल्ट सो हैप्पी कि गुरु जी आप फिर आ गए, आप ठीक हो के आ गए, मतलब आपका स्वरूप मेरे पास आ गया, ब्लेस्ड स्वरूप। मेरा सपना खुला, जो मेरा ड्रीम दर्शन वो ओवर हुआ, मैं नींद से उठी तो मेरी बॉडी में जो 1 घंटा पहले इतनी एक्सट्रीम पेन थी ना, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से आई वॉज एक्चुअली फाइटिंग विद गुरु जी कि गुरु जी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे इतना पेशेंस लेवल हाई है लेकिन मुझसे आज ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मेरे ड्रीम दर्शन के बाद मेरी वो पेन्स कहाँ गई मुझे नहीं पता, आई वॉज परफेक्टली फिट उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जब मैं उठी तो जब मैंने वो ड्रीम दर्शन अपना रिकॉल किया, गुरुजी हमेशा व्हेन ही वॉज इन फिजिकल फॉर्म वो संगत को हमेशा कहते थे मैं थोड़े सपने विच आया ना, वो कोई सपना नहीं है, वो मैं खुद आके थानू ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दैट मीन्स गुरु जी का जो ड्रीम दर्शन होता है वो हमारे लिए कोई ड्रीम नहीं होता, वो गुरु जी खुद इन रियलिटी ही कम्स टू अस एंड ब्लेसेस किसी भी फॉर्म में, चाहे हमारे कोई कष्ट काटते हैं, हमें ब्लेस करना है, गुरु जी जब हमारे ड्रीम में आते हैं दैट मीन्स इट इज़ अ रियलिटी ऑफ गुरु जीज़ वर्ल्ड, वो खुद आते हैं। उस दिन जब मैं उठी और मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, जय गुरु जी, उस दिन जब मैं उठी और मुझे ये लगा कि ये क्या हुआ, तो मैंने संगत आंटी को कॉल किया, मैंने उनको बताया कि ऐसे गुरु जी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने ऐसे ब्लेस किया, उनका स्वरूप जल गया। एंड दैट आंटी टोल्ड मी कि दैट आंटी एक्चुअली टोल्ड मी कि गुरु जी ने तेरे पूरे परिवार का कष्ट अपने पे ले लिया। देन संगत जी मैंने ये सोचा कि गुरु जी आप मेरे ड्रीम में आए हो, आपका स्वरूप जल गया, आंटी ने मुझे बोला तेरी पूरी फैमिली पे कोई कष्ट था जो ले लिया, ऐसी क्या प्रॉब्लम आने वाली है मेरे ऊपर। नेक्स्ट डे वेडनेसडे को, संडे को मेरे हस्बैंड को फीवर था, मंडे को हम बड़े मंदिर गए थे, मुझे गुरु जी ने अंदर आना अलाउ नहीं किया जबकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमारा एक हर संगत का गुरु जी के साथ एक डिवाइन रिलेशन होता है।
ट्यूसडे को मुझे हाई फीवर आया एंड ड्रीम दर्शन दिए गुरु जी ने। वेडनेसडे को मॉर्निंग में मेरा जब कोविड का टेस्ट हुआ, डॉक्टर ने मुझे टेस्ट के लिए रिकमेंड किया, तो जो वेडनेसडे को मेरा कोविड का टेस्ट हुआ तो मेरी कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मेरे अंकल का टेस्ट हुआ, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। हमारे घर में वी आर अराउंड 10 पीपल, आई पुट अप इन अ ज्वाइंट फैमिली, हम सब 10 लोग हैं घर में इंक्लूडिंग 4 बच्चे। तो जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो डॉक्टर ने बोला कि आप इनके साथ साथ पूरी फैमिली का टेस्ट कराइए। मेरे साथ पूरी फैमिली का टेस्ट हुआ एंड संगत जी बिलीव में इतनी पॉजिटिविटी आ गई थी हमारी लाइफ में कि मेरी पूरी फैमिली कोविड पॉजिटिव थी। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में आके मेरी पूरी फैमिली का जो कष्ट काट दिया था अपने ऊपर ले लिया था। मेरी फैमिली में किसी को टच वुड कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, कोई कुछ नहीं, मतलब इवन इनफैक्ट मुझे फील नहीं हो रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये लग रहा था कि मेरी स्मेलिंग सेंस नहीं है और टेस्ट बड्स वर्क नहीं कर रहे, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे एक भी दिन फीवर नहीं आया, कोई कफ प्रॉब्लम नहीं थी, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। बस ये था कि बच्चों के साथ मैं बहुत वर्ड थी कि हमारे घर में 4 छोटे बच्चे हैं और अगर बड़े सब अफेक्टेड हैं, हम लोगों को फील ही नहीं हो रहा था कि हम सबको कोविड है, बिकॉज कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। अब गुरुजी ने वो सारे सिम्टम्स अपने ऊपर, हमारी मेरी पूरी फैमिली का कष्ट, संगत जी बिलीव में गुरुजी कहते थे कि मेरे को अगर एक फैमिली का एक बंदा भी आंदा ना तो मैं पूरी फैमिली का कल्याण कर देंदा। दैट मीन्स अगर कोई एक इंसान भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाके ब्लेस होता है, गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं या वो गुरुजी से प्रे करता है, तो गुरुजी इतने महान हैं, हमारे महाशिव इतने महान हैं, गुरुजी इतना उनका विशाल हृदय है कि वो एक बंदे के साथ उसकी पूरी फैमिली का, पूरे खानदान का कल्याण कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी वो 10 डेज जो हमारी पूरी फैमिली आइसोलेटेड रही घर के अंदर वॉज द ब्लेस्ड पीरियड ऑफ माई लाइफ, बिलीव मी। वो मेरे लिए ब्लेस्ड पीरियड इसलिए था क्योंकि मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ इतना लंबा टाइम कभी स्पेंड नहीं करा था। हस्बैंड, फादर इन लॉ, एवरीबडी वॉज एट होम, बच्चे घर पे, हम घर पे, एक साथ खाना बनाना। द बेस्ट पार्ट वॉज कि सब पॉजिटिव थे तो एक साथ खाना बना रहे थे, एक साथ दवाई खा रहे थे, एक साथ टीवी देख रहे थे। मेरे घर में उन 10 दिनों के अंदर हमने बैक टू बैक इतने गुरुजी के सत्संग सुने, यूट्यूब पे इतने सुने, और हर सत्संग में इतनी ब्यूटीफुली गुरुजी आंसर देते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम सत्संग सुन सकें या सत्संग सुना सकें। अनंतम शुक्राना। एंड दोज 10 डेज वर द ब्लेस्ड टाइम ऑफ माई लाइफ, बिकॉज गुरु जब मैं उस टाइम पर, कोविड के टाइम पर, अपनी फैमिली के लिए जब मेडिसिन के पाउच भी बनाती थी ना, तो सिर्फ मंत्र जाप करके बनाती थी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, रंजू आंटी, सबके लिए वो पाउचेस जो मैं बनाती थी ना, हमेशा मंत्र जाप करके बनाती थी कि गुरु जी मेडिसिन को आपने ब्लेस करना और सब सेफ रहे। बिलीव मी संगत जी, जस्ट आफ्टर 10 डेज वी ऑल वर सेफ, फिट एंड फाइन। आज मुझसे कुछ पूछे, कोई भी आके पूछे कि कोविड क्या है, तेरा क्या एक्सपीरियंस था, तो मैं ये कहूँगी कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोविड क्या है। आज के टाइम में लोगों ने, न्यूज़ चैनल्स वालों ने अपनी TRP के चक्कर में कोविड को एक महामारी का नाम देके उसका बैड साइड ज़्यादा शो करना शुरू कर दिया है। इंस्टेड उन लोगों को ये शो करना चाहिए कि कितने लोग जल्दी रिकवर कर रहे हैं, व्हाट आर द रेमेडीज टू रिकवर, व्हाट इज़ द बेस्टेस्ट वे टू यू नो ओवरकम दीज थिंग्स। तो मतलब उन लोगों को इन चीज़ों से रिकवर करने के लिए न्यूज़ चैनल्स को प्रमोट करना चाहिए इंस्टेड उसकी एक रॉन्ग साइड दिखाने का। संगत जी जब तक गुरु जी की हाथ हमारे सिर के ऊपर है, हम उनकी छत्र छाया में हैं, तो बिलीव में किसी को कुछ नहीं होने वाला। गुरुजी हमेशा ये कहते थे, गुरुजी जाने से पहले भी व्हेन ही वाज इन फिजिकल फॉर्म, अब तो ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ही इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, वो अभी भी हमारे साथ हैं, बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं। लेकिन जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और जब वो जाने वाले थे, उस टाइम पे उन्होंने संगत को काफ़ी बार ये बात बोली थी कि बहुत माड़ा समय आने वाला है। माड़ा समय मींस बैड टाइम्स जो चल रहा है, और उन्होंने बोला था इस माड़े समय में जो पाठ करेगा वही बच पाएगा, अपना सिमरन बधाओ।
थोड़े दिन पहले संगत जी मेरी मदर के घर सत्संग था, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि टेलीपैथी गुरु जी हर संगत के साथ टेलीपैथी करते हैं। हम लोग कई लोग पूछते हैं टेलीपैथी क्या होता है। टेलीपैथी ये होता है कि जब आप अपने महाराज को दिल से प्यार से याद करते हो और उनसे बात करते हो, कुछ क्वेश्चन करते हो, तो वो आपके सामने खड़े हो जाते हैं और हर चीज़ का आंसर देते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी के थ्रू। अब संगत जी, थोड़े दिन पहले मेरे घर मम्मी के घर सत्संग था, तो सत्संग के टाइम पे ना मैं गुरुजी को भोग लगा रही थी, प्रसाद। और जब भोग लगाते हैं तो गुरुजी के पास बैठ जाते हैं, तो मैं गुरुजी के पास बैठे हुए उन्हें भोग लगा रही थी। तो मैंने गुरुजी को आईज बंद करके जब भोग लगाया तो मुझे टेलीपैथी हुई गुरुजी की। गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल पिंक कलर के चोला में ना दरबार में बैठे हुए हैं, हमारे घर जो दरबार सजा हुआ था, और उस चोला में बैठे हुए, और मुझे कह रहे पल्लवी आंटी इधर आ। मैं उनके पास जाके बैठी तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला कि पल्लवी आंटी गल दस, गुरु वड्डा या महामारी। अब संगत जी, उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार ये बात मुझसे बहुत ब्यूटीफुली पूछी हंसते हुए, पल्लवी आंटी ए दस, गुरु वड्डा या महामारी, गुरु वड्डा या महामारी। अब मैंने क्या कहना था, मैंने ये बोला गुरु जी आप बड़े, आप सबसे ऊँचे हो, आप सबसे बड़े हो, महामारी कुछ नहीं है। तो वो मुस्करा दिए, हंसते हुए गुरु जी बोले कि संगत नू दसो कि तुहाडा गुरु बहुत वड्डा है, ए महामारी कुछ नहीं है, ये सब परीक्षा का टाइम होता है। इस टाइम पर अपने गुरु जी पे फेथ, सिमरन, सेवा, सत्संग, इन तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को अगर हम बढ़ा देंगे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स एंडलेस हो जाएंगी एंड वील बी सेव्ड। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। इसलिए संगत जी, हमें बस अपने माइंड में एक चीज़ फीड करनी है कि हमारे गुरु जी बहुत बड़े हैं। वो राजान के राजा हैं, महाराजन के महाराजा हैं, यूनिवर्सल फादर है, यूनिवर्सल डॉक्टर है। गुरु जी हमारे यूनिवर्सल डॉक्टर है, वी ऑल नो दैट। जब हमें पता है कि यूनिवर्स का बेस्ट डॉक्टर हमारे पास है, हम उनकी शेल्टर में बैठे हैं, तो हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। द थिंग इज़ यू हैव टू बी सेफ एट होम। मंत्र जाप, सत्संग, यू शुड फील दैट दिस इज़ द ब्लेस्ड टाइम। जब आप अपनी फैमिली को इतना टाइम दे पा रहे हो, आप घर में बैठ के सब सत्संग सुन सकते हो, शब्द सुन सकते हो। गुरुजी हमेशा कहते थे शब्द सुनने से आपका कितना कल्याण होता है, आपको कितने सारे आंसर्स मिलते हैं शब्द सुनने से, हमारे कर्म कटते हैं। पहले के टाइम पे, बिफोर दिस कोविड से पहले, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं होता था। जेंट्स सब काम पे जाते थे, लेडीज़ हाउस होल्ड में बिजी हैं या वर्किंग लेडीज़ हैं, तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता था कि कोई साथ में बैठ के एक मूवी तक देख पाए। अब वी पीपल आर सो ब्लेस्ड दैट डे एंड नाइट वी पीपल आर टुगेदर। सो वॉट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है कि हम सब ने मिल के सत्संग सुनने हैं, शब्द सुनने हैं, सत्संग करने हैं। आपके ऊपर गुरु जी की जितनी ब्लेसिंग्स हैं वो संगत के साथ शेयर करिए। प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड शेयर योर ब्लेसिंग्स। सत्संग मीन्स गुरु जी का आपके ऊपर किया हुआ जो कल्याण है वो आपने संगत के साथ शेयर करना है, और हमेशा ये कहना है दैट वी पीपल आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, वी ऑल आर ब्लेस्ड। संगत जी, गुरु जी सरबत का कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये था मेरा कोविड का सत्संग, एंड बिलीव मी संगत जी, जो भी फेज चल रहा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस इसमें हिम्मत नहीं हारनी, साइकोलॉजिकली बिल्कुल फिट रहना है, और हमें ये पता है गुरुजी हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। अपनी केयर खुद करनी है, अपनी फैमिली की केयर खुद करनी है। सेवा, सत्संग, सिमरन से सारा औखा वेला जो है वो कट जाएगा। अपना सिमरन बढ़ाएं बस संगत जी, सिमरन बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Yes, we all are blessed and we all should say that I am blessed because we are Guruji's children. अब संगत जी, मैं अपना, मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी। मैं अपनी, जय गुरु जी अनु आंटी, वो बैंकेट वाला सत्संग भी शेयर करेंगे। पहले मेरा जो लाइफ का ब्लेस्ड सत्संग है, जो कल मैंने हाफ शेयर किया था, हाफ ऑन द वे रह गया था, इट वॉज़ जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जी। गुरु जी नोज़ एवरीथिंग, उन्हें पता है कि कब क्या कराना है। तो कल मेरा एक सत्संग इन बिटवीन रह गया था, आज मैं उसे कॉन्टिन्यू करूँगी बहुत जल्दी जल्दी शॉर्ट में। संगत जी, 10 ईयर्स पहले जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, तो मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है गुरुजी के साथ थ्रू आउट। लेकिन जब मैं कनेक्ट हुई थी वो मेरा लाइफ का ब्लेस्ड टाइम था, बिकॉज उस टाइम पर मैं बहुत परेशान थी। मेरी शादी के बाद कॉन्टीन्यूसली मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए थे, और मिसकैरेज के बाद मेरे दिल्ली के सारे डॉक्टर्स ने मुझे रिटर्न लिख के दे दिया था कि आप मदर नहीं बन सकते, आप मदरहुड इन्जॉय नहीं कर सकते।
बिकॉज़ मेरी जो फिज़िकल प्रॉब्लम थी कोई डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि मुझे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. तो मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम कोई डायग्नोस नहीं कर पा रहा था, इस वजह से मेरे को डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था यू कैन नॉट बी अ मदर. जब मेरे दो मिसकैरेजेस हो गए तो उस टाइम पे मैं इतनी होपलेस और हेल्पलेस हो गई थी. तो सेकेंड मिसकैरेज के बाद आई थॉट दैट आई शुड क्विट. मैंने सुसाइड का अटैम्प्ट भी किया. ये चीज़ कभी कोई डिस्क्लोज़ नहीं करता, बट गुरुजी ने इतना गट्स और इतनी हिम्मत पार बख्श दी है कि हम बहुत इजीली संगत डिस्क्लोज़ कर देती है अपनी लाइफ हिस्ट्री. तो संगत जी, मैंने उस टाइम क्विट करने का सोचा, लेकिन गुरुजी के प्लान्स कुछ और थे मेरे लिए. गुरुजी ने मुझे सेव किया. एक्चुअली सेकेंड मिसकैरेज के बाद वन फाइन डे मैं अपनी मदर के घर गई एक दिन, और मेरी मदर को मेरी बुआ जी बड़े मंदिर लेके गए थे पहली बार. जब मेरी मदर बड़े मंदिर से होके आए तो गुरुजी का बहुत ब्यूटीफुल उन्हें एक स्वरूप ब्लेस हुआ. वो स्वरूप वो जब घर लेके आए उन्होंने मंदिर में रखा, और जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मैं खूब हंसी. मैं बहुत आई एक्चुअली स्माइल्ड एट हिम, दैट आई एक्चुअली लव्ड एट हिम, कि एक और इंसान जो बहुत सुंदर है, बहुत चिकने हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत टॉल है, मतलब ही इज़ अ हैंडसम गाय, बट वो अपने आप को महाराजा समझ के चोला पहन के एक चेयर पे बैठ गए हैं. क्योंकि माहौल चल रहा है बाबा और बाबाओं का उस टाइम पे बहुत चाल चलन था, तो आई थॉट एक नए बाबा आ गए हैं. बट वो मेरे गुरुजी के साथ फर्स्ट एनकाउंटर था एंड दैट वाज द ब्लेस्ड टाइम ऑफ माय लाइफ. सेम नाइट मुझे रात में सपना आया गुरुजी का. सेम नाइट जिस दिन मैंने गुरुजी का फर्स्ट टाइम स्वरूप देखा 10 ईयर्स बैक, सेम नाइट मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए. गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए. मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, मैंने कभी सुना भी नहीं था बड़े मंदिर के बारे में. कुछ 10-12 ईयर्स पहले गुरुजी की बहुत लिमिटेड मुट्ठी भर संगत होती थी, तो इतना सबको नहीं पता होता था. हम कभी गुरुजी का गाड़ी के पीछे स्टिकर पढ़ते थे ना कि जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, तो हमें तब लगता था ये कौन है गुरुजी. उस टाइम पर मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया, बड़े मंदिर का दर्शन कराया. बड़े मंदिर के आंगन में मैं बैठी हुई थी और गुरुजी, मैं काफ़ी रो रही थी मेरे ड्रीम दर्शन में. उस टाइम हमें ये भी नहीं पता होता था ड्रीम दर्शन क्या है, लेकिन मुझे आज ड्रीम दर्शन की वैल्यू पता है. तो उस टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था. मैं बहुत रो रही थी और गुरुजी ने बोला, आंटी तू क्यों रो रही है. गुरुजी बहुत सुंदर डिवाइन एक वाइट कलर के ब्लेस्ड चोला में मेरे पास आए, बहुत टॉल और बहुत ब्यूटीफुल गुरुजी. और गुरुजी ने बोला, आंटी तू क्यों रो रही है. तो मैंने बोला, आप गुरुजी हो, मैंने दोपहर में आपका स्वरूप फोटो देखी थी, तो आप गुरुजी हो. तो उन्होंने कहा, हाँ मैं गुरुजी हूँ, तू क्यों रो रही है. मैंने कहा, मेरे पास बेबी नहीं है और सब मुझे बांझ बांझ करके बुलाते हैं, तो सोसाइटी में सबके पास बच्चे हैं, मेरे पास नहीं है, तो मैं बहुत लेफ्ट आउट फील करती हूँ, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो. तो संगत जी, गुरु जी ने ऐसे आसमान में हाथ किया और मेरी झोली में ला के बच्चा डाल दिया और बोला, ले आंटी तेनू ब्लेस किता, कल्याण किता, जा ऐश कर. जब मैंने देखा कि गुरु जी ने मुझे बेबी ब्लेस किया तो मैं रोने लग गई. एंड आई एक्चुअली सेड थैंक्स टू हिम कि शुक्राना गुरु जी, आप जो भी हो आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे बेबी ब्लेस किया, मेरा ही ना. तो मैंने उसको गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया. मेरा ड्रीम ओवर हो गया और जब मैं उठी तो मेरी बॉडी शिवर कर रही थी. और मैंने जब बताया अपनी आंटी को कि मुझे ऐसे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है तो मुझे बड़े मंदिर जाना है, जस्ट आफ्टर 3 डेज मंडे वाले दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया पहली बार. और जब मैं गई, वहाँ का ऑरा, वहाँ का एम्बियांस, एवरीथिंग वॉज लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हेवन ऑन अर्थ. गुरुजी का बड़ा मंदिर धरती पर साक्षात स्वर्ग है, बिलीव मी संगत जी, उससे ऊपर कोई स्थान नहीं है धरती में. जब मैं बड़े मंदिर गई और मैंने वो आंगन देखा गुरुजी का बरामदा बड़े मंदिर के हॉल के बाहर, तो आई वॉज़ एक्चुअली क्राइंग, मैं बहुत रोई. तो मुझे अंकल आंटी ने बोला कि आप क्यों रो रहे हो. मैंने कहा, एक्चुअली गुरुजी ने मुझे 3 दिन पहले यहीं के दर्शन कराए, यहीं पे बैठ के उन्होंने मेरी झोली में बच्चा डाला. तो ये कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है, जिन क्योंकि नॉर्मली कोई इंसान कहीं पर जाए बिना उस जगह के दर्शन नहीं कर सकता, हम नहीं देख सकते. कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि आप एक जगह कभी नहीं गए लेकिन आप ड्रीम में वो जगह देख लें. आई डोंट थिंक सो, किसी के साथ नहीं होता. तो वो संगत जी, मेरे साथ वो हुआ तो मुझे ऐसे लगा गुरु जी में कोई बात है. मतलब वहाँ उनके इतने बड़े बड़े स्वरूप, वो ऑरा, मतलब बड़े मंदिर के अंदर का ऑरा ऐसा है कि हम साइकोलॉजिकली ब्लैंक हो जाते हैं और हम ये फील करते हैं हम कहाँ हैं, वी आर इन सम अदर वर्ल्ड. मतलब हमने स्वर्ग नहीं देखा,
संगत जी, हमने किसी ने भी स्वर्ग नहीं देखा, हमेशा सुना है उसके बारे में, लेकिन मेरे लिए गुरु जी का बड़ा मंदिर स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग। तो जब हम अंदर हॉल में गए, चाय प्रसाद वगैरह मिला, तो उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद मिला साथ में। तो कुछ 10-12 ईयर्स पहले ना, संगत लिमिटेड होती थी ना, तो संगत को अलाउड होता था बड़े मंदिर के हॉल एरिया में बैठ के सत्संग करने का। तो उस दिन एक अंकल ना माइक पे बड़े मंदिर के अंदर ही हॉल के अंदर सत्संग शेयर कर रहे थे। उन्होंने बोला कि गुरुजी हमेशा कहते थे, संगत जी जो भी यहाँ बैठ के आपको चाय प्रसाद समोसा प्रसाद मिल रहा है, यहाँ खाओगे तो आपकी दवाई है, बाहर ले जाओगे तो मिठाई, तो किसी संगत ने इसमें से कुछ नहीं छोड़ना, पूरा फिनिश करना है, बिकॉज ये आपके लिए मेडिसिन है और गुरुजी आपके अंदर की जो भी हिडन प्रॉब्लम्स होती है ना, जो आपको नहीं भी पता, वो भी क्योर कर देते हैं इस मेडिसिन से। तो मैं हंस पड़ी। अब हम नादान हैं, हमारी बुद्धि बहुत छोटी है, हम कोई अलग सी चीज़ सुनते हैं ना तो हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं वहाँ हंस पड़ी। मेरे हस्बैंड साथ थे, मेरे अंकल, तो मैंने उन्होंने बोला क्या हुआ, मैंने कहा ये देखो अंकल कैसी बात कर रहे हैं, कोई एक चाय का कप और समोसा प्रसाद दवाई हो सकती है? माना गुरुजी एक बहुत स्ट्रांग पावर है, मैं फील कर रही हूँ, उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन में बड़े मंदिर के दर्शन कराए, मुझे बेबी ब्लेस किया, एंड मैं यहाँ के वो ऑरा फील कर रही हूँ, हेवनली फील आ रहा है, लेकिन ऐसे चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, इट कैन नॉट वर्क एज अ मेडिसिन, कॉमन सेंस है ये। तो अब इतनी मैं बात कर रही थी, तो मैं इतनी देर में गुरुजी को बस देखते पे ना मुस्कुराकर बोली, अगर इस चाय और समोसा प्रसाद के बाद मेरे पेट में 6 महीने से बहुत सिवियर पेन चल रहा है, अगर वो पेट दर्द ठीक हो गया तो मैं आपको मान लूँगी, 100% मैं सरेंडर कर दूँगी कि गुरुजी आप बहुत बड़ी शक्ति हो। बिकॉज जब हम न्यू कनेक्शन होता है ना हमारा किसी के साथ, अब भगवान है, हम इतने मूर्ख हैं, मैं इतनी मूर्ख हूँ कि हम भगवान जैसी जो सुपर पावर्स हैं हम उनको भी चैलेंज करना शुरू कर देते हैं, हम इतने मूर्ख हैं। तो मैं एक्चुअली उस टाइम पर 10-12 साल पहले जब गुरुजी के साथ फर्स्ट टाइम मैं बैठी हुई थी, तो मैं उनको चैलेंज कर रही थी कि अगर आपकी ये चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद सच में ब्लेसिंग है, तो मेरा स्टमक पेन जो 6 महीने से चल रहा है, डॉक्टर्स डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, सीटी स्कैन हो गया था, अल्ट्रासाउंड हो गया था, सब कुछ हो गया था, तो मैं एक्चुअली पूछ रही थी गुरुजी से कि अगर दिस इज़ अ मेडिसिन देन यू हैव टू प्रूफ इट। संगत जी, मैंने इतनी बात करी, चाय प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद लिया, हम घर आ गए। नेक्स्ट मंडे, एक मंडे मैं गुरुजी से बैठ के, आई वॉज एक्चुअली चैलेंजिंग हिम, एंड वेरी नेक्स्ट मंडे जब मैं सुबह उठी, तो मेरे स्टमक में से इतना बड़ा वॉर्म निकला, मोटा सा हेल्दी वॉर्म निकला मेरे स्टमक में से, लाइव हेल्दी वॉर्म, इतना मोटा कीड़ा, वॉर्म को कीड़ा कहते हैं, और बहुत मोटा और लंबा, जैसे कोई सांप होता ना इतना लंबा। जब वो जय गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जब वो वॉर्म निकला तो मैं बहुत डर गई, मेरी तो ऐसे लगा मेरी जान निकल गई है, कि मेरे अंदर से एक जानवर बाहर आया, इतना मोटा हेल्दी पल रहा था मेरे पेट में और ये मेरे पेट में से बाहर आ गया, मैं बहुत डर रही थी। जैसे मैं डॉक्टर के पास गई उसी दिन सेम डे, तो आई टोल्ड हिम कि मेरे पेट में से इतना मोटा वॉर्म निकला है, इतना बड़ा कीड़ा निकला है, तो उसने पूछा आपने कोई एंटी वॉर्म मेडिसिन खाई थी या आपने कोई ऐसी दवाई खाई थी? तो आई सेड नो, मैंने तो कुछ भी नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं ली। बस उससे बात करते करते मेरे माइंड में रिकॉल आ रहा था कि मैंने लास्ट मंडे गुरुजी का चाय प्रसाद लिया था, समोसा प्रसाद लिया था, और वहाँ एक अंकल शेयर कर रहे थे कि ये आपकी मेडिसिन है, ये आपके ऐसे हिडन प्रॉब्लम्स क्योर कर देंगी जो आपको पता ही नहीं। तो मेरे अंदर तो वो हिडन चीज़ चल रही थी जिसने मेरे पेट में 6 महीने से दर्द करा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन मैंने गुरुजी के आगे कंप्लीट सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आप सब कुछ हो, आप महाशिव हो। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठ के जब हम चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, कुछ भी प्रसाद हमें जो भी वहाँ ब्लेस होता है, अगर चुपचाप आंखें बंद करके मंत्र जाप करके लेते हैं ना, एक्चुअली इट वर्क्स एज अ मेडिसिन, हमारी बॉडी की वो मेडिसिन है। हमें नहीं पता हमारे अंदर, देखो मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना मोटा वॉर्म पल रहा है जो मेरे स्टमक में 6 महीने से इतनी पेन कर रहा है, लेकिन वो चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद के बाद वो इजीली निकल गया विदाउट एनी मेडिसिन। दैट मींस गुरुजी का प्रसाद नहीं है, वो हमारी दवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरु जी बार बार एक्चुअली कोविड की वजह से फ्रेम नहीं हो रहा, तो मेरे पास गुरु जी का ये स्वरूप बहुत ब्लेस स्वरूप, मुझे किसी ने ब्लेस किया था तो मेरे पास यही स्वरूप है, तो बार बार गुरु जी नीचे आ रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने गोदी में आके बैठना है एंड आई विल शेयर द सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर क्या हुआ, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ ऐसे स्टार्ट हुई जब गुरु जी ने मेरी लाइफ में करिश्मा किया, ऐसा मेरा स्टमक एक 6 महीने पुराना स्टमक एक क्योर हो गया, तो आई फेल्ट दैट आई एम ब्लेस्ड और गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर दिया। अब मेरी लाइफ में जो एक्चुअल ब्लेसिंग थी ना, वो अभी बाकी थी। वो ब्लेसिंग ऐसे बाकी थी कि संगत जी, मैंने जब बड़े मंदिर जाना शुरू किया, गुरुजी ने मुझे अट्रैक्ट किया और बड़े मंदिर बुलाते रहे। एवरी मंडे आई यूज़ टू गो टू बड़े मंदिर, गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाते रहते थे। एवरी मंडे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी ने हमें एक्चुअली सिखाया कि व्हाट इज़ इक्वालिटी। ये चीज़ मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी सत्संग में शेयर करी थी कि गुरुजी के बड़े मंदिर में उन्होंने हमें इक्वालिटी सिखाई। नोबडी, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। गुरुजी के दरबार में 4 लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं। हमें नहीं पता वो कौन है, कोई मिनिस्टर है या कोई वर्कर है, कोई भी है, गुरुजी के दर पे एवरी वन इज़ इक्वल। तो संगत जी, गुरु जी ने क्या किया, हमें इक्वालिटी सिखाई कि बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, तुम सब मेरी ब्लेस्ड सोल्स हो, एवरी वन इज़ इक्वल इन माई दरबार। बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने ये टीचिंग सिखाई, जो एक्चुअल में अच्छे कर्मों का रास्ता है। जब हम किसी को भी देखते हैं तो ऊंच नीच के भाव से नहीं देखते। अगर हमारे घर मेड्स भी आते हैं, सर्वेंट्स भी आते हैं, ड्राइवर्स भी होते हैं, अगर हम सबको एक भाव से प्यार से देखते हैं, तो ये किसने सिखाया, हमारे गुरु महाराज ने, इक्वालिटी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। देन संगत जी क्या हुआ, एक वन फाइन मंडे मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ पर ना मेरे को बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिखे उस दिन। अब मैं बड़े मंदिर जाने से पहले गुरु जी के पास, जब गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया, ड्रीम दर्शन दिया, तो मैं बच्चों का कॉन्सेप्ट छोड़ चुकी थी। मैंने सोचा कि अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में गुरु जी आ गए ना, मेरी लाइफ में सब कुछ आ गया, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट विद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कहती थी कि मेरी लाइफ ना अब कम्प्लीट है, क्योंकि मेरी लाइफ में जिस चीज़ की कमी थी वो गुरु महाराज थे और गुरु जी आ गए हैं। लेकिन गुरुजी के घर दर पे कहते हैं ना, आप एक मांगते हो गुरुजी भर भर के देते हैं, आप इतना सा मांगते हो गुरुजी ने पता नहीं आपके लिए क्या क्या रखा होता है। तो पहले तो संगत जी हमें गुरुजी का हर उस चीज़ के लिए शुक्राना करना है जो उन्होंने हमें बख्शी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमें बख्शी। शुक्राना गुरुजी हर उस चीज़ के लिए जो आपने हमें नहीं बख्शी, जो हमारे हिस्से में नहीं थी, शायद वो हमारे लिए सही नहीं था इसलिए आपने नहीं बख्शा। जब छोटे बच्चे अपने माता पिता से किसी चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं कि हमें ये चाहिए चाहिए चाहिए, जिद करते हैं, तो पेरेंट्स कई चीज़ें नहीं लेके देते, बिकॉज उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों के लिए दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज, हमारे यूनिवर्सल फादर, हमारे पिता, उनको सब कुछ पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है ना, वो हमें गुरु जी देंगे ही नहीं, बिलीव मी, और वो हमारी बेटरमेंट के लिए है। एंड डोंट फाइट फॉर दैट कि आपने आपने गुरु जी से कुछ मांगा और गुरु जी ने वो नहीं दिया। 100% वो आपके लिए सही नहीं है इसलिए नहीं दिया। मैंने गुरु जी से बच्चे नहीं मांगे, बिकॉज मैं पंडितों के पास जाती थी ना संगत जी, हम पंडितों को बहुत बड़ा एक ओहदा देते हैं हमारी सोसाइटी में कि पंडित यार उनके पास ज्ञान है, वो पत्री लिखते हैं पढ़ते हैं। मुझे पंडित हमेशा ये कहते थे कि आपकी लाइफ में बच्चे नहीं हैं, आपकी हाथ की रेखा में बच्चे नहीं हैं, आप कहाँ से लाएंगे बच्चे। ठीक है, मैंने अपने आप को, जब डॉक्टर्स को हम गॉड ऑन अर्थ कहते हैं ना, कि भगवान धरती पर डॉक्टर्स के फॉर्म में होते हैं, जब डॉक्टर्स ने मुझे डिक्लेयर कर दिया यू कैन नॉट बी अ मदर, तो मैंने कहा इट्स ओके, आई कैन नॉट बी अ मदर, आई एम हैप्पी दैट गुरु जी इज़ विद मी, दैट्स इट। संगत जी एक मंडे गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर में ना, एक मंडे में गई तो अपने अंकल के साथ, काफ़ी सारे बच्चे आए हुए थे वहाँ, न्यू बॉर्न भी 3-4 बच्चे आए हुए थे, तो उनको देख के ना मेरा थोड़ा सा दिल पिघला। जब आपके पास किसी चीज़ की कमी होती है ना, तो एनी हाउ रुक रुक के वो चीज़ आपको दुखती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बच्चे नहीं थे ना, तो मैं चुप चुप करके, सबके सामने नहीं, गुरु जी के साथ बैठ के खूब रोती थी उनके स्वरूप के आगे कि गुरु जी मेरे पास बच्चे नहीं है, गुरु जी मेरे पास बच्चे नहीं है, इसके पास है, उसके पास है, सबके पास है, बस मेरे पास नहीं है, इतने बुरे कर्म है मेरे, तो आपने मुझे पैदा क्यों किया।
ऐसी ऐसी बचकानी बातें, ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें, क्विटिंग लाइफ, थॉट्स ऑफ क्विटिंग लाइफ, विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग. पता है, गुरु जी के वचनों में भी लिखा हुआ है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, महापाप है. तो अपनी लाइफ को क्विट करना तो कभी नहीं सोचना चाहिए. जितना मर्जी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, जितनी मर्जी आपकी लाइफ में बड़े बड़े पहाड़ टूट जाएँ, लेकिन क्विटिंग लाइफ नहीं सोचनी चाहिए. प्लीज़ संगत जी, मैंने बहुत बार ये गलती करी है, प्लीज़ और कोई ना करे. बिकॉज़ गुरु जी ने हमेशा कहा है आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है. आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, दैट मीन्स आपके कर्म कट रहे हैं. इट्स ऑल योर कार्मिक अकाउंट. जो पिछला आपका कार्मिक अकाउंट है, यू आर क्लियरिंग राइट नाउ इन दिस जन्म. और अच्छे कर्म जो आप अब करेंगे ना, नेक्स्ट जो आपकी जन्म आना है ना, यू विल बी लाइक सेफर. इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास ना मुझे देना है. मेरा सत्संग ये है कि मंडे वाले दिन जब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ना, तो मैं बस गुरु जी के साथ यही करती रही कि गुरु जी आज इतने सारे बच्चे क्यों दिखाए हैं. उस दिन ना मुझे एक मेरी नेबर आंटी ने, जो मेरे लिए बहुत एक ब्लेस्ड सोल है एक्चुअली, उन्होंने ना मुझे एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पेपर दिया था कि पल्लवी तू जगह जगह जाके थक चुकी है, तू एक बारी इस डॉक्टर को दिखा ले मेरे कहने पे लास्ट. बिकॉज़ ये एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट है और ये सिर्फ यही प्रॉब्लम फेस डील करते हैं रिगार्डिंग मिसकैरेजेस एंड जिनके बच्चे नहीं होते. तो मैंने वो 6 महीने से प्रिस्क्रिप्शन पेपर ना अपने किचन में कहीं छुपा के रखा हुआ था, डर के मारे कि अब मुझे डॉक्टर्स के पास नहीं जाना. हर डॉक्टर यही बात बोलता है तो मैं क्यों जाऊँ. देन संगत जी, उस दिन क्या हुआ, मैं बड़े मंदिर से आई, गुरु जी ने मुझे वाइब्स दी कि आज तूने घर जाके वो डॉक्टर का पेपर निकालना है और उसके पास जाना है. देन जय गुरु जी, दीवान शांति, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. देन संगत जी, क्या हुआ कि मैं आई, वो पेपर निकाला. आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे डॉक्टर्स का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, ऑल ओवर दिल्ली के सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला. गंगाराम रिनाउंड डॉक्टर है, वी ऑल नो, हॉस्पिटल है, वहाँ की भी सारी गाइनी से मेरा ट्रीटमेंट चला. एंड एवरीबडी वॉज लाइक अनसक्सेसफुल. उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता. देन संगत जी, क्या हुआ, उस डॉक्टर का जो एड्रेस था वो मेरे घर से सिर्फ 10 मिनट्स का डिस्टेंस था. तो मैं तो शॉक्ड कि इतना पास कोई डॉक्टर रहता है, वो भी मेल गायनाकोलॉजिस्ट. एनी हाउ, गुरु जी से जब जुड़ जाते हैं ना हम, तो हमारी लाइफ में सारी चीज़ें उनकी मर्जी से होती है. हर चीज़, हमारी लाइफ की सारी हैपनिंग्स, मेरी लाइफ में, मैं अपना कह सकती हूँ, आई थिंक सब संगत के साथ यही है, हमारी लाइफ में कुछ भी कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है. एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड बाय गुरु जी. गुरु जी सब प्लान करके रखते हैं. तो गुरु जी ने प्लान किया हुआ था कि वो पहले मुझे अपने आप से कनेक्ट करेंगे, मुझे पॉजिटिव बनाएंगे, मेरी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, मुझे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उसके बाद मुझे बेबी ब्लेस करेंगे. देन संगत जी, गुरु जी के साथ जब मैं जुड़ी तो मुझे वो डॉक्टर मिला, वो एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट था, जो कि सुन के मुझे हंसी भी आई, मैं शॉक्ड भी हुई कि कभी मैंने मेल गायनाकोलॉजिस्ट नहीं सुने थे, हमेशा फीमेल लेडीज गायनाकोलॉजिस्ट ही ट्रीटमेंट करती है. तो ही वॉज अ मेल गायनाकोलॉजिस्ट. जब मैं उसके पास गई तो उसका वे ऑफ टॉक बिल्कुल अंकल आंटी स्टाइल, गुरु जी के बड़े मंदिर जैसा था. तो ही एक्चुअली ग्रीटेड मी लाइक, हाँ जी आंटी दिखाओ अपना. ही वॉज 50 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने मुझसे बोला कि आप, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी. उन्होंने फिर मुझे बोला कि आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ. मेरे पास इतना बंडल था पूरी अपनी रिपोर्ट्स का. तो जब मैंने वो रिपोर्ट्स निकाली तो उन्होंने बोला कि आप अभी रिपोर्ट्स कहीं डंप कर दो, मैं सिर्फ आपके 2 टेस्ट कराऊंगा, एक टीबी का और एक ब्लड थिनिंग का. संगत जी, जब मेरा टीबी का टेस्ट हुआ तो वी ऑल वर शॉक्ड कि मेरी टीबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई. मुझे यूट्रस में टीबी था, जो चीज़ कोई डॉक्टर नहीं फाइंड आउट कर पा रहा था. लेकिन मेरे गुरु महाराज ऐसे, जैसे ही उन्होंने मुझे कनेक्ट किया अपने साथ, जैसे ही मेरी बाजू पकड़ी, मुझे डॉक्टर अच्छा मिल गया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, दैट आई एम हैविंग टीबी इन माई यूट्रस, विच इज़ एक्चुअली द मेन कॉज ऑफ मिसकैरेजेस. बच्चे कंसीव होके भी प्रॉब्लम हो जाती थी बिकॉज ऑफ टीबी इन यूट्रस. ब्लड टेस्ट हुआ तो उसमें आया कि मेरा ब्लड बहुत थिक था, जिसकी वजह से बेबी को फूड नहीं मिलता था. तो मतलब 2 बेसिक रीज़न थे और डॉक्टर ने सिर्फ वो 2 चीज़ें पकड़ के मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया. एंड आई वॉज सो हैप्पी. बड़े मंदिर जाना, गुरु जी का शुक्राना करना, गुरु जी आप कहाँ बैठे हो, आप अब क्यों आए हो मेरी लाइफ में, आप पहले क्यों नहीं आए. होता है ना, कोई नई संगत होती है तो हम ये फील करते हैं, गुरु जी हमारे इतने कौन से गंदे कर्म थे कि आपने हमें पहले अपने साथ नहीं जोड़ा. आप सारी ओल्ड संगत को इतना ब्लेस कर चुके हो, हम न्यू संगत को क्यों नहीं ब्लेस करते. ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं. लेकिन संगत जी, बिलीव मी,
आप कभी गुरु जी के ब्यूटीफुल से वचन पढ़ोगे ना, तो आप ये फाइंड आउट करोगे, गुरु जी ने क्लियर बोला हुआ है, मेरे दरबार विच कोई नई ते पुरानी संगत नहीं है। मेरे नाल तुहाडा किन्ने पुराने जन्मा दा रिश्ता है तुहानू भी नहीं पता। दैट मीन्स कि हमारा गुरु जी के साथ कितना पुराना रिश्ता है, कितने पुराने जन्मों का, ये हमें नहीं पता। हम अभी जुड़े, कुछ टाइम पहले जुड़े, तो हम सोचते हैं कि गुरु जी आपने हमें पहले क्यों नहीं जोड़ा, उससे पहले क्यों नहीं जोड़ा, लेकिन ही नोज़ वॉट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर अस। ही नोज़ कि हमने उनके साथ कब जुड़ना है और कब उन्होंने हमारा कल्याण शुरू करना है। कहते हैं जब हम दुख में होते हैं ना, तो हम भगवान को बहुत जल्दी याद करते हैं, लेकिन जब सुख आ जाता है ना, तो हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। गुरु संगत, गुरु जी के परिवार की सारी संगत इतनी ब्लेस्ड है कि हमारे साथ जब कोई खुशी होती है ना, तो हम उसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं गुरु जी के साथ। मैं तो दीवानी हो जाती हूँ, मेरी लाइफ में रोज़ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है मेरे सामने, रोज़ एक प्रॉब्लम खड़ी होती है, और मैं गुस्सा भी करती हूँ गुरुजी के साथ कि रोज़ प्रॉब्लम क्यों खड़ी होती है, लेकिन जब उसका सॉल्यूशन निकल आता है ना, तो मैं गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपकी प्रेजेंस की वजह से मुझे हिम्मत मिली उस प्रॉब्लम्स को फेस करने की, और आज वी पीपल आर सेलिब्रेटिंग, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं कहाँ थी, सत्संग करते करते भूल जाते हैं, सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई एम सो सॉरी। हाँ, डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो उसने बोला आपको टीबी है, टीबी का 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट है, ये ठीक हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तो यू विल कंसीव एंड 100% आपकी झोली में बच्चा होगा। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि गुरुजी आपके आते ही मुझे इतना अच्छा डॉक्टर मिल गया, और उसने कह दिया कि मैं माँ बन सकती हूँ, मुझे बच्चे मिल सकते हैं। एक न्यू रे ऑफ होप होती है ना मेरी लाइफ में, गुरुजी एक ऐसी किरण बन के आए थे सूरज की, कि जिसने मेरी लाइफ में उजाला कर दिया था। टीबी का टेस्ट था आंटी, टीबी का टेस्ट हुआ था, टीबी के टेस्ट में मेरी टीबी यूट्रस में पॉजिटिव था। फिर मेरा 9 मंथ्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जब मैंने पहले दिन टीबी की दवाई खाई, तो मैं बहुत परेशान हो गई, मुझसे वो दवाई नहीं खाई गई, बिकॉज मैं वो दवाई खाते ही फेंट हो गई, और थ्रू आउट डे मेरा बहुत बैड डे रहा वो। तो मैंने डॉक्टर को नेक्स्ट डे कॉल करके बोला कि मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती, और कोई अल्टरनेटिव है, तो उन्होंने बोला नहीं आंटी, आपको 9 मंथ्स ये मेडिसिन कॉन्टीन्यूसली खानी है, अगर 9 मंथ्स आप खाओगे उसके बाद टेस्ट आपकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आएगी, उससे पहले आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ सकती और आप कंसीव नहीं कर पाओगे। देन गुरु जी के आगे रोते धोते बस मैंने कैसे तैसे 1 महीना वो दवाई खाई। 1 मंथ वो दवाई खाने के बाद मैंने बिल्कुल टोटल क्विट करके गुरुजी के आगे रोना शुरू कर दिया। बड़े मंदिर गई, गुरुजी के आगे खूब रोई। मैंने कहा गुरुजी कि अब तो मैं ना ये दवाई नहीं खाऊंगी, आई एम सॉरी, मैं ये मेडिसिन नहीं खा सकती, मुझे ऐसे लग रहा है ये मेरी दवाई जो है, मेरा ट्रीटमेंट नहीं, मेरी मारने वाली दवाई है, मैं मर जाऊंगी ये दवाई खाऊंगी, इतनी स्ट्रांग है। खाना भी नहीं खाती थी, बस वो दवाई खाती थी और सोई रहती थी सारा दिन। तो संगत जी 1 महीने बाद मैंने डॉक्टर को फोर्स किया, और डॉक्टर ने मेरा रिपीट टेस्ट लिखा, उसने बोला कुछ होना हवाना है नहीं, 9 मंथ्स के बाद आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी, आप टेस्ट करवा लो, आपकी जैसी मर्जी है। तो मुझे गुरुजी पे बहुत फेथ था, और जिस दिन मैं उस दिन बड़े मंदिर गई, तो एक अंकल वही सत्संग शेयर कर रहे थे, वैसे ही उसी पैटर्न में हॉल के अंदर माइक में बहुत ब्यूटीफुली, कि गुरु जी कहते थे तुम्हारे 90% कर्म है कटना, 10% तुम कटने ने, वो बड़े मुश्किल ने कटने, तुसी सो किन्ने ब्लेस्ड हो कि तुम्हारे 90% कर्म थे, मैं कट देना। तो संगत जी मेरे साथ वही हुआ, मेरी 9 महीने की जो दवाई थी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीने बाद जब टेस्ट कराया, तो 1 मंथ के बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आई वॉज सो ब्लेस्ड, आई वॉज सो हैप्पी। डॉक्टर हैरान परेशान कि आंटी ये कैसे हो सकता है, 1 महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट कैसे नेगेटिव आ सकती है, बट इट वॉज़ गुरुजी, गुरुजी की ग्रेस थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, कि गुरुजी ने मेरे 9 महीने का ट्रीटमेंट 1 महीने में कंप्लीट करा दिया था, एंड आई वॉज फाइन, शुक्राना गुरुजी। फिर टाइम आया कंसीव करने का, गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही जा रहा था, और हमेशा सही जाता है, अभी भी सही जा रहा है, आगे भी सही जाएगा, शुक्राना गुरुजी। टीबी के बाद जो मेरा टीबी क्योर हो गया, तो डॉक्टर ने बोला आपको कंसीव करना है, 2 to 3 मंथ्स ट्राई किया, नेचुरली कंसीव नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझे एक डेट दी कि इस दिन आपकी IVF या IUI दोनों में से एक ट्रीटमेंट हम फाइनलाइज करेंगे, डोंट वरी। मैं गुरुजी के आगे फिर रोने बैठ गई कि मुझे एक न्यू ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, इट शुड बी नेचुरल। संगत जी जिस दिन मेरी रिपोर्ट, जिस दिन मेरे को डॉक्टर ने डेट दी थी IUI IVF की, उस दिन मुझे गुड न्यूज़ मिल गई, एंड अगेन शुक्राना गुरुजी का, रो रो के शुक्राना।
कहते हैं ना, दुख में हम रोते हैं लेकिन सुख में जो आंसू बहते हैं ना, वो हमारा हार्ट को प्योरीफाई करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं और हमारे आंसू बहते हैं ना, वो हमारे दिल को एकदम साफ कर देते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, अपना पांडा साफ करो। हमारा भांडा कैसे साफ होता है? जब हम खुशी में रोते हैं, जब हम गुरुजी को याद करके रोते हैं ना, जब वो आंसू निकलते हैं ना, वो एक्चुअल टीयर्स होते हैं जो हमारा भांडा साफ करते हैं। तो संगत जी, उस दिन मैं बहुत रोई, गुरु जी का शुक्राना किया। अब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि 9 मंथ्स के बाद जब हमारे झोली में बच्चा होगा ना, तब हम आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। बाय दैट टाइम वी लाइक नॉट श्योर। अब मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो मुझे दिन रात इंजेक्शंस लगाने होते थे। एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में अपने पेट पे खुद इंजेक्शन लगाने होते थे ब्लड थनिंग के लिए। बस मैं मंत्र जाप करती थी और इंजेक्शन लगाती थी, मंत्र जाप करती थी और दवाई खाती थी। डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था, लेकिन मेरे महाराज की ऐसी ग्रेस है, हर मंडे गुरुजी मुझे बड़ी सेफली बड़े मंदिर बुलाते थे। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, थ्रू आउट प्रेगनेंसी गुरुजी ने मुझे हमेशा 2 या 1.5 समोसे का प्रसाद ब्लेस किया, बिकॉज ही नोज ना कि आई एम नॉट अलोन, मेरे अंदर उनकी एक ब्लेसिंग है। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे 1.5 समोसा या 2 समोसा 1.5 मट्ठी या 2 मट्ठी ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं जैसे ही वो मेरे हाथ में आते थे ना, 1.5 समोसा या 2 समोसा, मैं इतनी खुश हो जाती थी, मुझे इतना डिवाइन फील होता था। ऐसे लगता था गुरु जी कहाँ बैठ के प्रसाद बांट रहे हो आप, सारी संगत को एक एक मिल रहा है, मुझे क्यों 1.5 या 2 मिलते हैं। बिकॉज ही नोज दैट आई नीड टू। शुक्राना गुरु जी का। मिड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द प्रेगनेंसी, 6 महीने जो मेरे बीत चुके थे, तो एक दिन मैं इंजेक्शन लगा रही थी तो मेरे स्टमक में से ना ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो मैं बहुत रोई, मैंने फिर से गुरु जी के आगे छोटा बच्चा जैसे होता ना, रो के क्विट कर दिया कि गुरु जी आज से मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी, बस, क्योंकि मुझे इतनी पेन हुई है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है स्टमक में से, आई एम सॉरी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हर छोटी बात पे मेरा एक ही आंसर होता था, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज फिजिकल पेन बहुत थी। तो उस दिन मैंने रात का इंजेक्शन स्किप कर दिया और गुरुजी से बहुत लड़ाई करी और सो गई। इतनी देर में मुझे रात को गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए। इट इज़ अराउंड 7-8 ईयर्स बैक की, पहले की बात है। तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए और यूके में गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर है, जैसे हमारे दिल्ली में बड़ा मंदिर है, वैसे एक बड़ा मंदिर था, गोल्डन कलर का मंदिर था, रेड कारपेट बिछे हुए थे। गुरुजी बहुत ब्यूटीफुल रेड चोले में ना वहाँ खड़े हुए थे अंदर। एक साइड गुरुजी खड़े थे अपनी सारी फॉरनर संगत के साथ, एक साइड मैं बैठी हुई थी नीचे। मैं रो रही थी, मैं बहुत रो रही थी, बिकॉज थ्रू आउट डे आई वॉज क्राइंग। तो हम कहते हैं ना कि हमारे ड्रीम्स ये होते हैं कि हम जो सारा दिन सोचते हैं वो रात में होता है, लेकिन नहीं संगत जी, आई विल रिपीट कि गुरु जी हमेशा कहते थे तुम्हारे ड्रीम विच मैं खुद आना है, कोई इमेजिनेशन या ड्रीम नहीं है, वो रियलिटी है, मैं खुद आके ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी, उस दिन मैं रोती रोती सो गई और ऐसे ड्रीम स्टार्ट हुआ, ऐसे गुरु जी सामने खड़े हैं फॉरनर संगत के साथ, एक तरफ मैं बैठ के रो रही हूँ। तो इतनी देर में गुरु जी कहते हैं कि तुम सारी संगत में से कोई एक भी बंदा इस बच्चे को जोक सुनाओ, अगर तुम्हारा जोक सुनकर ये लड़की हंस पड़ी तो मैं उसे बहुत ब्लेस करूँगा, उस बंदे को जो जोक सुनाएगा। गुरुजी कितनी प्यारी और इतनी सॉफ्ट स्पोकन, जो पतली सी आवाज़, और उन्होंने जैसे हंसते हुए संगत को बोला, तो उनको देख के ना मैं हंस पड़ी। तो गुरुजी ने कहा ले कोई गाल है अते मेरे मेरे बोलन नाल ही हंस पई है। तो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठा के गले लगाया, प्यार किया, मैं रोई जा रही थी, उन्होंने मुझे प्यार किया और कहा आंटी आज तो बात तो नहीं रोएंगी, वेख तेनों मैं की देना। अब मैं बड़ी खुश, और जैसे ही मेरा सपना खुला और मैं उठी तो मैंने कहा इंजेक्शन क्या चीज़ है, 2 क्या, मैं तो 4 लगाने को तैयार हूँ रात को। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या देना है। तो संगत जी, बस मैं उठी और बाकी के जो मेरे 3 महीने थे प्रेगनेंसी के, मैंने आराम से मंत्र जाप करके इंजेक्शन भी लगाया, दवाई भी खाई, रेस्ट भी किया, बड़े मंदिर भी जाती रही, और खूब गुरुजी ने बहुत इजीली मेरी प्रेगनेंसी काट दी। अब एक दिन ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने मुझे डेट दी कि आज आपकी डिलीवरी है। उस दिन गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, 2013 में 12th जून 2013 में गुरुजी ने मुझे बहुत ब्यूटीफुल डॉटर ब्लेस करी। जब मैंने पहली बार उसको देखा, फोर्टीज़ में हुई थी वो, ग्रेटर कैलाश के 40s में, तो वहाँ एक ऐसा रूल है कि जब आपका बेबी होता है ना तो आपको वो होते ही दिखा देते हैं और आपके हस्बैंड साथ बैठते हैं, वहाँ का हॉस्पिटल का एक रूल है। तो मेरे हस्बैंड और हम साथ में थे ड्यूरिंग डिलीवरी, एंड जब उन्होंने मेरी बेटी मुझे दिखाई तो मुझे ऐसे लगा
ये मेरे अंदर से निकली है, ये मेरी डॉटर है। गुरु जी आपने मुझे ब्लेस कर दिया, गुरु जी आपने मेरे मत्थे का टैग हटा दिया, जो समाज ने मेरे माथे पे एक टैग लगाया था, जो डॉक्टर्स ने बोला था, जो एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला था, आपका करिश्मा आपका चमत्कार, ऐसा आपने मुझे बेबी ब्लेस कर दिया। आई एम सो ब्लेस्ड। शुक्राना गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संग जी ये कहते हैं जहाँ डॉक्टर्स की डॉक्टरी फेल होती है ना, वहाँ हमारे गुरु महाराज के, हमारे यूनिवर्सल डॉक्टर की डॉक्टरी स्टार्ट होती है। शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मैं बस दिल से यही प्रे करती हूँ, गुरु जी जैसे आपने मेरी झोली भरी, दुनिया में ऐसी जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी आपकी बेटियाँ हैं, जो कष्ट में हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास अगर बच्चा नहीं है, आप उन्हें भर भर के खुशियाँ दो, उनकी झोली भर दो, उनको माँ बना दो, क्योंकि शादी के बाद माँ बनना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। संगत जी मेरी लाइफ में ब्लेसिंग कभी रुकी नहीं थी। हम कहते हैं हम गुरु महाराज जी से एक मांगते हैं और गुरु जी ने हमें क्या क्या देना होता है। मेरी डॉटर अभी 3 महीने की थी, ही वॉज जस्ट 3 मंथ्स ओल्ड। 3 महीने की मेरी डॉटर थी तो मुझे रिपीट कंसीव हो गया। अब जब रिपीट कंसीव हुआ तो मैं डॉक्टर से पहले रोते रोते गुरुजी के पास, गुरुजी ये क्या हो गया, दोबारा कंसीव हो गया? अभी तो मेरा बच्चा पहला इतना छोटा है, उसको हैंडल करने में इतनी मुश्किल होती है, छोटे बच्चे फर्स्ट चाइल्ड था और छोटा बच्चा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। शायद मुझे गुरुजी ने बच्चे इसलिए लेट दिए क्योंकि मैं खुद बच्ची थी, मेरे में वो मैच्योरिटी लेवल शायद नहीं होगा तब तक, और मेरे कोई कर्म कटने थे जो मैंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी। लेकिन गुरुजी ने मेरी लाइफ में एंट्री होते ही, एंटर करते ही मेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया। ब्लेसिंग्स उनकी रुकी नहीं, ऐसी कि जब मुझे सेकंड कंसीव हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, और जब मैं बड़े मंदिर गई तो गुरुजी अपनी गद्दी पे ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे, मैं बोली जा रही थी, रो रही थी, एंड ही वॉज एक्चुअली स्माइलिंग जैसे वो हमेशा करते हैं। देन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देन संगत जी 3 मंथ्स के बाद जब मुझे रिपीट कंसीव हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, और डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपको ये बेबी कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि आपका 3 महीने पहले सिजेरियन हुआ है और बॉडी में जो मेडिकल इश्यूज है आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग समझ के उसको कंटिन्यू करा। 2013 में गुरु जी ने बेटी ब्लेस करी थी। वेरी नेक्स्ट ईयर 2014 में गुरु जी ने मुझे 25th जुलाई 2014 को गुरु जी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। विद इन 2 ईयर्स गुरु जी ने मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी अनएक्सपेक्टेडली। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। आज गुरु जी हमारी लाइफ में हैं संगत जी, तो वो हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं। सिर्फ फेथ और सरेंडर बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में। हमारा उनके ऊपर जो ब्लाइंड फेथ है और टोटल सरेंडर है, वही बेड़ा पार करेगा संगत जी, वही बेड़ा पार करेगा। आप ये देखो मेरी औकात एक की भी नहीं थी और गुरु महाराज ने मुझे 2-2 बख्शे। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत सारे हैं, सत्संग एंडलेस है। गुरु जी का तो जब हम नाम लेने बैठते हैं तो सत्संग ख़त्म ही नहीं होते, दिन रात बीत जाते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। संग जी स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। ये जो पीरियड चल रहा है इसमें बस अपनी साइकोलॉजिकली फिट रह के, बिल्कुल पॉजिटिव होके, गुरु महाराज का नाम लेके अपना अच्छे कर्म करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, शब्द सुनते रहिए, घर बैठ के गुरु जी का खूब ध्यान करें, उनसे बस यही प्रे करें गुरु जी सरबत का कल्याण करो। संगत जी हम लोग जब एवरीथिंग वाज नॉर्मल तो हम हमेशा सत्संग वगैरह पे जाते रहते थे, हम लोग काफ़ी गुरु जी हमें सत्संग ब्लेस करते थे, बड़े मंदिर भी जाते थे, गुरु जी खूब बड़े मंदिर बुलाते थे। लेकिन अब कोविड के टाइम पे अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सबसे हाथ जोड़ के कि आप गुरु जी को अपने घर बुलाएं, लंगर प्रसाद बनाएं, चाय प्रसाद बनाएं, समोसा प्रसाद बनाएं और गुरु जी को बुला के रिस्पेक्टफुली अपने घर बुलाकर उन्हें भोग लगाएं और वो मिल बांट कर सब खाएं। तो क्या हुआ अगर गुरु जी के बड़े मंदिर हम नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ अगर हम सत्संग नहीं अटेंड कर पा रहे? शायद ये गुरु महाराज का हमारे घर आने का टाइम हो, तो बस हमें ओपन हार्ट करके अपने गुरु जी को अपने घर बुलाना है और दिन रात गुरु जी से यही प्रे करना है, गुरु जी सरबत का कल्याण करो, गुरु जी सरबत का कल्याण करो। संग जी आप कुछ भी खाएं, सबसे पहले गुरु जी का, चाहे आपके घर छोटा स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है, पॉकेट स्वरूप है,
दरबार लगा हुआ है, हर चीज़ गुरु जी को भोग लगाएं, फिर उसके बाद पूरी फैमिली शेयर करके खाएं। गुरु जी ने तो कोई प्याज लहसुन का भी प्रॉब्लम नहीं रखी हुई, जो आपके घर भोग बन रहा है आप सब कुछ भोग लगा सकते हैं। भोग लगाकर गुरु जी को प्रसाद भोग लगाकर पूरी फैमिली मिलके खाएं। जब गुरु जी भोग लगा देते हैं तो वो चीज़, चाहे जल प्रसाद है चाहे खाना है, वो मेडिसिन बन जाती है एंड इट विल वर्क एज वंडर्स, बिलीव मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी अनु आंटी फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग सत्संग। सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। गुरु जी भर भर के खूब सारी खुशियाँ दे, खूब सारी पॉजिटिविटी दे। स्टे पॉजिटिव, ये जो टाइम चल रहा है सब कट जाएगा, अच्छा टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। बस थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ और अपने सिमरन को बढ़ाने से ये टाइम बहुत आराम से कट जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते हुए कोई भी गलती हुई हो, भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। गुरु जी प्लीज़ फॉरगिव मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।